आज आप सभी के समक्ष में मैं ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के साथ उपस्थित हो रही हूँ। और बच्चों, कल का जो हमारा टॉपिक था, हम चूंकि अभी मुगलकालीन स्थापत्य कला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कल हमने आपको शेरशाह सूरी तक पढ़ाया था। कल अभी तक हमारे जो है, तो इसके आगे जो चल रहे मुगलकालीन स्थापत्य कला में बाबर, ठीक है, हुमायूं, हाँ, पास सहसा आपका ये जो मकबरा है, इसमें स्थापत्य कला में जो
मिलता है। इसमें के शेरशाह सूरी के द्वारा ये जो बिहार के रोहतास जिला के सहरसा नाम में ये जो मकबरा बनाया गया इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आपको दिखती है। क्योंकि अकबर के टाइम में तो हमको मिश्र दिखता है, लेकिन अकबर से पूर्व किसके उसमें दिखता है, हमें शेरशाह सूरी के उसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे चलकर, अब हमारा अगला शासक कौन आ जाएगा, अकबर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पास हुमायूं का टाइम में आपको बता दिया, हुमायूं का हमने आपको शेरशाह सूरी के बारे में बता दिया, अब जो हमारा अगला टॉपिक है क्या, अकबर, अकबर की स्थापित कला के बारे में। चूंकि अकबर का जो टाइम था काफी टाइम था, उसने 1556 से 1605 तक शासन किया। ठीक है, तो उसके शासन काल में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, उसके समय में जो है आपको स्थापित कला वास्तविक रूप से देखने को मिलेगा। आपका फोर्थ नंबर में कौन आ जाएगा, अकबर, तो क्या महान भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है क्या, अकबर महान या अकबर, तो इसके टाइम की हम थोड़ी बहुत आप जानकारी हम आपको दे दें कि इसमें क्या सारी चीजें हैं। तो अकबर के शासनकाल में भारतीय और ईरानी शैली को भरपूर मात्रा में, यानी कि प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पास अकबर के टाइम में जो है तो ईरानी सामने आती है, और ईरानी के साथ साथ भारतीय शैली का जो सम्मिश्रण देखने को मिलता है वो यहाँ आपको अकबर के शासनकाल में काफी हद तक देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम इसके अगर स्थापत्य कला की बात करें कि अकबरकालीन स्थापत्य कला, तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं हुमायूं के मकबरे की। हुमायूं का मकबरा, अब यहाँ पर सब आगे जितने भी शासक आए सब एक दूसरे का मकबरा, इनका मकबरा हुआ, मकबरा ही आपको सुनने को मिलेगा। अब बात आती है हुमायूं का मकबरा, आपके मन में और हुमायूं का मकबरा अकबर ने थोड़ी ना बनाया है, लेकिन एक चीज बता दें, अकबर ने भले ही नहीं बनाया लेकिन शासक तो अकबर था, तो उसी के संरक्षण में सारे कार्य किए जाएंगे। अब किसके देख रेख में बनाया गया ये अलग बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पास अकबर के साथ, अब ये आपको बता दें हुमायूं का जो मकबरा है ये अकबर की पहली इमारत है। क्या है, पहली इमारत है, पहली इमारत। ठीक है, अब इसकी एक और विशेषता क्या है, ये दोहरे गुंबद से बनी हुई है। क्या है, दोहरे गुंबद। ठीक है, दोहरे गुंबद से बनी हुई है, और इसके अलावा देखरेख में बनाया गया, किसके कारीगरी में, यहाँ पर
निरापदान। और इसके अलावा एक चीज और बता दें, इसका जो गुंबद है, क्या गुंबद यानी कि जो ऊपर का तला ऐसे गोल सा रहता है, ये कैसा बना हुआ है? जैसे वो संगमरमर का, सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर। ठीक है, यहां पास ये